हेलो दोस्तों, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग एक नई मेडिसिन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज जो मैं मेडिसिन आपके सामने लेके आया हूँ उसका नाम है आइबुजेसिक प्लस। आइबुजेसिक प्लस बच्चों की एक बहुत फेमस सस्पेंशन, बहुत फेमस सिरप है जो बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आइबुजेसिक प्लस को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके कॉम्पोजिशन है, किस काम में ये आती है, एंड इसकी प्राइजिंग क्या है, एंड इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो इन सारे पॉइंट पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि मैं मोटिवेट रहूँगा और ये जो इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं आइबुजेसिक प्लस के बारे में। तो आइबुजेसिक प्लस सस्पेंशन कैटेगरी की मेडिसिन है जो मेनली बच्चे यूज़ करते हैं, एंड इस कंपनी को जो मैन्युफैक्चर करता है वो सिप्ला कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। सिप्ला लिमिटेड इसको मेडिसिन को बनाती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो आइबुजेसिक प्लस में दो टाइप के कॉम्पोजिशन होते हैं। पहला होता है आइबुप्रोफेन जो होता है 100 mg, एंड दूसरा होता है पैरासीटामोल जो होता है 162.5 mg। तो ये दोनों इसके अंदर होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव रूप से इस सस्पेंशन के अंदर काम करते हैं। एंड ये सस्पेंशन डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया या ऑरेंज फ्लेवर हो गया। बिकॉज़ काफ़ी बार आपने देखा होगा कि बच्चे लोग किसी भी सस्पेंशन को लेने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। इसीलिए इसको इस सस्पेंशन को डिफरेंट फ्लेवर में लेके आया गया है। उस फ्लेवर में लेके आने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी बच्चा इसको लेता है तो वो ज़्यादा इश्यू क्रिएट नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या यूज़ क्या है, ये किस यूज़ में आता है। ये बेसिकली दो मेन यूज़ में आता है। पहला तो होता है पेन, बिकॉज इसमें आइबुप्रोफेन होता है जो एक पेन रिलीफ मेडिसिन है। तो जब भी बच्चे को कहीं पेन हो रहा होता है, काफ़ी बारी बच्चे आपको बता नहीं पाते कि उनको बॉडी में कहाँ पेन हो रहा है, एंड वो जब डिस्कशन नहीं कर पाते तो हमारे लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है। एंड जो दूसरा यूज़ है वो यूज़ है इसका फीवर में। तो फीवर और बॉडी पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये बहुत अच्छा सस्पेंशन है। तो जब भी आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम आए तो आप ये बच्चे को दे सकते हैं, एंड इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है इसका। एंड इसके अलावा अगर आपको दर्द में और फीवर में भी अगर आराम नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो आप बच्चे की एक बार कंडीशन देखिए कि आखिर उसको और ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड इसको लेने के बाद भी अगर बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपना जो हेल्थ केयर एडवाइज़र है तो हेल्थ केयर एडवाइज़र से एक बार आप ज़रूर डिस्कशन करें। बिकॉज़ बच्चों में काफ़ी बारी इशू कुछ और होता है और हमें समझ में कुछ और आ रहा होता है। तो आप ही बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इशू आ रहा है तो आप एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। तो उससे होगा ये कि अगर इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी तो डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन में मेडिसिन भी दे सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूं कि अगर मान लो आपने बच्चे को दिया, इन बच्चे को देने के बाद अगर बॉडी में ये गया और वहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया शरीर में, तो इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि बच्चा आपका उल्टी कर देगा। उल्टी करने के अलावा उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको दस्त भी लग जाए ये लेने के बाद। ये सारे इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट हैं जो आप बच्चे को देंगे, बच्चे को देने के बाद ये बेसिक साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। अगर ये बेसिक साइड इफ़ेक्ट आपको दिखें तो तुरंत आप अपने हेल्थ केयर एडवाइज़र से आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे के केस में आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम बात करें इसके बेसिक ऑल्टरनेट के बारे में कि अगर आइबुजेसिक प्लस सपोज डॉक्टर ने आपको कंसल्ट करा है और डॉक्टर ने आपको लिखा है प्रिस्क्रिप्शन पर और आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या फिर आप जनरल बेसिस पर भी इसको बच्चे को देने का ट्राई कर रहे हैं और ये मार्केट में नहीं हो अवेलेबल हो पा रहा है, तो इसके कुछ ऑल्टरनेट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो उसमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है नेमे प्लस। सो नेमे प्लस होता है, ये बेसिकली इसका ऑल्टरनेट है। एंड इसके अलावा कॉम्बी फ्लेम सस्पेंशन आप बच्चे को दे सकते हैं, ये भी सस्ता है। इसके अलावा फ्लेक्सन सस्पेंशन दे सकते हैं, इबोकॉन सस्पेंशन दे सकते हैं, अब फ्रेम किड ओरल सस्पेंशन दे सकते हैं। ये इसके कुछ बेसिक ऑल्टरनेट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये सारे बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं।
अब अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में कि इसकी क्या प्राइसिंग है, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 41 रुपये 26 पैसे। 41 रुपये 26 पैसे इसकी बेसिक प्राइसिंग है, जिसमें आपको ये मिल जाती है। एंड इसमें आपको दो फ्लेवर आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, तो दो फ्लेवर में ये आती है। एक तो होता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, एंड जो सेकेंड वन होता है वो होता है ऑरेंज फ्लेवर। तो ये दो फ्लेवर में आते हैं इसमें। तो ये बेसिक डिटेल्स थी इस सस्पेंशन के बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू।